आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पासपोर्ट और वीजा क्या है। अगर आप अगर किसी भी अदर कंट्री अगर विदेश जाना चाहते हैं, गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं, तो आपको दो चीजें बहुत जरूरत होती है, सबसे पहले पासपोर्ट और उसके बाद वीजा। तो पासपोर्ट में वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, आज जानते हैं वीजा होता क्या है। चलिए वीजा का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। वीजा का फुल फॉर्म जो होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, ठीक है। और वीजा जो है ये 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट वीजा का मतलब ये होता है कुछ घंटों के लिए होता है, जैसे कि मैं यहाँ से जाऊंगा, जैसे कि गल्फ कंट्रीज हो गया, दुबई हो गया, या मैं अमेरिका जा रहा हूँ कुछ घंटों के लिए और फिर मैं रिटर्न भी आ जाऊंगा बहुत जल्दी, तो ये होता है ट्रांजिट वीजा। और दूसरा जो होता है टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा हम लोग जानते हैं कि तीर्थ स्थल वीजा जिसे कहते हैं, जैसे कि कोई सऊदी अरब जा रहा है हज करने के लिए या कोई भी अदर कंट्रीज जा रहा है, जैसे कि उसको घूमना है, मंदिर जाना है, तो वहां पे उसके लिए जो होता है उस पर डिपेंड करता है वो कितने महीने वहां पे रहेगा। जैसे कि 2 महीने का मेरा टूरिस्ट वीजा है तो 2 महीने के अंदर वो घूम के फिर रिटर्न आना होता है, तो ये होता है एक टूरिस्ट वीजा। तीसरा अब हम लोग जानते हैं बिजनेस वीजा। बिजनेस वीजा क्या होता है कि ये होता है कि बिजनेस करना, जैसे कि अगर मुझे बिजनेस वीजा बनाना है तो मुझे दिखाना पड़ता है कि मैं अगर अमेरिका में बिजनेस करना चाहता हूँ, वहां पे मेरी प्लॉट है, मैं इसके साथ पार्टनरशिप में रह रहा हूँ, मैंने ये बिजनेस किया है, जैसे कि मैंने कुछ भी बिजनेस किया, चाहे मैंने इंडस्ट्रीज एरिया में या क्लॉथ मेरे मार्केटिंग है या मेरी बुक की सेल होगी वहां पे, कुछ भी, तो उसके लिए हमें दिखाना पड़ता है। उसके लिए हम उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने महीने वहां पे वो बिजनेस करेगा, 6 महीने या 1 साल, तो ये होता है बिजनेस वीजा। अब जानते हैं चौथा नंबर जिसे बोलते हैं ऑन अराइवल वीजा। ऑन अराइवल वीजा ये होता है कि जिसे हम एक तरफ से ई वीजा कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां से मैं गया और 72 घंटों के अंदर रिटर्न आना है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन अराइवल वीजा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं पांचवा स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा वो होता है अगर मुझे अदर कंट्री जाना है कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए, जैसे कि है ना बहुत अमेरिका में है और या ब्रिटिश में भी जो बहुत अच्छी अच्छी जैसे कि यूनिवर्सिटीज है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, अगर इस समय अगर हमें अच्छी क्वालिटी में पढ़ना है तो उसके लिए हमें स्टूडेंट वीजा बनाना पड़ता है और ये उस इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है वो कितने महीने कितने साल उसमें पढ़ेगा। अब हम लोग जानते हैं छठा जो होता है मैरिज वीजा। मैरिज वीजा वो होता है कि मैरिज वीजा में ये होता है कि अगर कोई अमेरिका का लड़की अगर यहाँ पे इंडिया में शादी करना चाहता है तो उसके लिए मैरिज वीजा होता है, तो ये उसे पहले वहाँ के जो एम्बेसिडर होते हैं उनको पहले दिखाना होता है एम्बेसी को कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे शादी करना है, तो उसके लिए मैरिज वीजा होता है। अब जानते हैं सातवां नंबर जो है इमिग्रेंट वीजा। इमिग्रेंट वीजा वो वीजा होता है कि वहां पे मैं ये इमिग्रेंट वीजा वो होता है कि जैसे कि यहाँ से मुझे जाके दुबई में काम करना है तो उसके लिए वहां से जो वो कंपनी होती है वीजा भेजती है उसे बोलते हैं हम लोग इमिग्रेंट वीजा। इमिग्रेंट वीजा में ये होता है कि एक तरफ से लेबर वाला काम होता है, ठीक है। और एक जो होता है आठवां नंबर मेडिकल वीजा। मेडिकल वीजा ये हो गया कि किसी एक पेशेंट को बहुत ही भयानक बीमारी है, जैसे कि हार्ट डिजीज है या उसे कैंसर है, तो उसके लिए जो है ये मेडिकल वीजा होता है कि वो इतने महीने में रिटर्न आ जाएगा, 2 महीने की उसकी वहां पर ट्रीटमेंट कराना, तो उसके लिए मेडिकल वीजा का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि वीजा है क्या और वीजा जो है वो कितने टाइप्स होते हैं। और एक बात ये जान लीजिए, कुछ कंट्रीज के लिए वीजा नहीं लगता, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना, इस सब के लिए वीजा लगता नहीं है, ठीक है। कुछ कंट्रीज के लिए वीजा लगता है, जिसके लिए मैंने इसमें बताया कि वीजा है क्या और कितने टाइप्स के होते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसे बिल्कुल शेयर करें कि दूसरों को भी पता चले कितने टाइप्स के वीजा होते हैं।